नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, कल 23 तारीख था। 23 तारीख को बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। जी हां, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा जो हैं वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली हैं। जी हां, बात करें तो आपको पता ही होगा कि लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटी सोनाक्षी सिन्हा हैं और सोनाक्षी सिन्हा जो है कल अपने बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल से शादी कर ली है। लेकिन आपको पता है कि दबंग और लुटेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुके सोनाक्षी के पति यानी कि जाहिर इकबाल कौन हैं और क्या काम करते हैं और उनके पास कितनी संपत्ति है, तो चलिए जानते हैं। जी बात करें तो 10 दिसंबर 1988 को जन्मे जाहिर इकबाल नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। जाहिर के पिता इकबाल रत्नासी हैं जो बिजनेसमैन और ज्वेलर हैं। उनकी बहन सनम रत्नासी बॉलीवुड में एक मशहूर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं। जाहिर की उम्र 35 साल है और सोनाक्षी जो है वो 37 साल की है। नोटबुक से फिल्मी करियर की शुरुआत। जाहिर का असली नाम जाहिर रत्नासी है, वो पेशे से एक्टर हैं। सलमान खान की करीबी परिवार से आने वाले जाहिर ने नोटबुक से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किया था। साल 2014 में उन्होंने फिल्म जय हो में सोहेल खान के साथ जहीर ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। हालांकि जहीर का करियर उतना सफल नहीं रहा है। मुंबई स्कॉटिश स्कूल के छात्र रहे हैं जहीर। जहीर ने मुंबई स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अरविंद कपूर भी इस स्कूल के छात्र रहे हैं और वह जहीर के सीनियर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि भाई जहीर के पास कितनी संपत्ति है और सोनाक्षी के पास कितनी संपत्ति है। सोनाक्षी सिन्हा के नेटवर्थ की बात करें तो साल 2010 में डेब्यू करने वाले इस एक्ट्रेस के पास कुल नेटवर्थ तकरीबन 85 करोड़ रुपए, यानी कि 85 करोड़ रुपए की मालकिन जो है सोनाक्षी सिन्हा है। तो वहीं जहीर इकबाल के कुल नेटवर्थ महज 2 करोड़ रुपए है, यानी कि अपने से 83 करोड़ कम वाले व्यक्ति से सोनाक्षी ने शादी किया है। बताया जा रहा है कि मॉडलिंग, विज्ञापन या फिल्में करके वो लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस महिला का 85 करोड़ रुपए का संपत्ति है वो 2 करोड़ वाले से शादी की है। तो ये बॉलीवुड है और ये जोड़ी आप सभी को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।